दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेईमानी से बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया तो कई लंकाई खिलाड़ी तो फूट फूट कर रोने लगे, जहां अब एंजेलो मैथ्यूज का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शाकिब को जमकर खरी खोटी सुनाई तो उनको भी अलावा भी कई श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने अब बांग्लादेश और शाकिब अल हसन पर गुस्सा निकालते हुए उन पर आईसीसी से कड़ा एक्शन लेने की मांग कर दी है। तो आखिर क्या कुछ रहा है अपनी करारी हार के बाद लंकाई खिलाड़ियों का रिएक्शन और सभी के भावुक कर देने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस बार वर्ल्ड चैंपियन, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जो अपने विवादों के लिए हमेशा लोगों को याद रहेगा। दरअसल इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को बेहद गलत तरीके से आउट दिया गया था और वो 146 सालों के इतिहास में टाइम आउट से विकेट गंवाने वाले पहले खिलाड़ी बने, जहाँ कप्तान शाकिब अल हसन और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की इस हरकत के बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में विवाद मचा हुआ था, क्योंकि उन्होंने खेल भावना की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। हालांकि उसका ज्यादा असर मैच में नहीं पड़ा। श्रीलंका ने 108 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 289 रनों तक पहुंचा दिया था। मुकाबला कांटे का होने वाला था। इसका पीछा करने उतरे बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स को लंका ने बहुत ज्यादा जल्दी समेट लिया, लेकिन फिर संतो और कप्तान शाकिब अल हसन ने बारी बारी अपने 50 पूरे कर बांग्लादेश को न केवल मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। शाकिब शतक लगाने वाले थे, लेकिन तभी गेंदबाज करने आए एंजेलो मैथ्यूज ने 82 के स्कोर पर शाकिब अल हसन को चलता कर बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि मैच का पासा तो नहीं पलटा और बांग्लादेश ने मुकाबला जीत ही लिया, लेकिन अपनी करारी हार के बाद तो लंकाई खिलाड़ियों का दिल ही टूट गया। अपने खिलाफ हुई बेईमानी पर उन्होंने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है और कई लंकाई खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सबसे पहले तो इसका शिकार होने वाले एंजेलो मैथ्यूज का कहना है कि मुझे नहीं पता एम्पायर ने आंखों में पट्टी बांध रखी थी या फिर क्या हुआ मेरे साथ। खैर बांग्लादेश से तो मैंने यही उम्मीद की थी। शाकिब अल हसन जैसे खिलाड़ी का तो मुझे पता था कि वो ईमानदारी से नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ जब एम्पायर ने मुझे आउट दिया था। मैंने सब कुछ सही किया, मेरा हेलमेट टूटा हुआ था तो इसमें मेरी गलती कहाँ से हो गई। इन्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तो चाहता हूँ आईसीसी मुझे इंसाफ दिलाए और इस पर कड़ा एक्शन ले, नहीं तो ऐसे उनके बनाए नियमों की धज्जियां तो उड़ती रहेगी। तो वहीं श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस का मानना है कि एंजेलो मैथ्यूज के साथ जो हुआ वो बेहद गलत हुआ, उनके विकेट से हमारी टीम को भी नुकसान हुआ, नहीं तो हम 300-350 रन भी आसानी से बना सकते थे। और रही बात उन्हें आउट देने की, तो वो सही समय पर अंदर पहुंच गए थे। अब किसी खिलाड़ी का हेलमेट टूट गया है तो उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। बीच मैदान में कई बार बांग्लादेशी खिलाड़ी चोटिल हुए, मैच रुका तब तो एम्पायर ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था वो हमारे साथ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, इसे हम भूलेंगे नहीं, एम्पायर ने ये सही नहीं किया। यहाँ तक कि अब शतक ठोकने वाले चरित्र श्रीलंका का गुस्सा भी फूट पड़ा है। उनका कहना है कि मैथ्यूज के साथ जो भी हुआ है वो खेल भावना को क्षति पहुंचाता है, उस हिसाब से बेहद गलत है। हालांकि अंत में एम्पायर के नियमों के हिसाब से फैसला लेना चाहा, लेकिन गलती तो उनसे हो ही गई। इस तरीके से आप किसी को भी आउट नहीं दे सकते, इसलिए इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आज ऐसा सच में पहली बार हुआ था तो किसी को क्या अंदाजा होता कि टाइम की वजह से भी कोई आउट हो सकता है। मुझे बांग्लादेशी खिलाड़ियों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्रिकेट देखने बेहतरीन खेल है, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम ने आज शर्मनाक कर दिया। शर्म आनी चाहिए उन्हें खुद पर। यहाँ तक कि अंत में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज मधुशंका का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि बांग्लादेश ने बहुत गलत किया है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि किसी के साथ ऐसा करके वो बेशर्म की तरह कैसे हंस सकते हैं। ये क्रिकेट टीम हमेशा ही बेईमानी से खेलती है, कभी भी मुझे याद नहीं कि इन्होंने ईमानदारी से खेला हो और ये जीते हो। जब भी ये हारने लगते हैं तो कोई ना कोई बेईमानी जरूर करते हैं, ये केवल खेल को बदनाम करने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि एम्पायर ने भी उनका साथ दिया। मेरी आईसीसी से यही अपील है कि इस विकेट की एक बार जरूर जांच करें और जो भी संभव हो कड़ा एक्शन ले, उसे ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। दोस्तों लंका बांग्लादेश के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जहां बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने बेईमानी करते हुए पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो आखिर क्या था वह लम्हा जैसे एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट के चलते आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? आखिर क्यों उनका विकेट देखकर पूरी दुनिया बांग्लादेश की आलोचना कर रही है? उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यदि उससे पहले आपको लगता है कि इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन है इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वर्ल्ड कप के रोमांचक सफर का अंत आ चुका है, जहां सेमीफाइनल के लिए तीन टीमों ने लगभग क्वालिफाई कर लिया और आज दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला हुआ जो सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में यह मुकाबला केवल एक औपचारिकता मात्र था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और लंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे। इसी दरमियान गरीबी में आटा गीला श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। आज तक किसी बल्लेबाज को इंटरनेशनल
नेशनल क्रिकेट में इस तरह आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। वहीं इस फैसले से बांग्लादेश से लेकर इस मुकाबले को ही विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल सदीरा समान विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की। साकिब अल हसन की अपील के बाद एम्पायर मैथ्यूज के पास गए और उन्हें वापस जाने को कहा। यह सुनकर तो मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तो भरोसा ही नहीं था कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रह गया है। इसके बाद अंपायर और मैथ्यूज बहस करते रहे, लेकिन अंततः श्रीलंका के खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। आईसीसी के नियम 40.1.1 के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी टाइम आउट के लिए अपील कर सकते हैं। वही बांग्लादेश ने किया, एम्पायर ने उनकी बात मानी और एंजेलो ने छूट को बिना गेंद खेली ही पवेलियन लौटना पड़ा और उन्होंने बिना बैटिंग लिए ही इतिहास लिख दिया। लेकिन बांग्लादेश ने खेल भावना की धज्जियां उड़ा दी और इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। किसी को उनका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज तक 146 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो बांग्लादेश ने किया, इसीलिए तो इतनी विवादित टीम है। दोस्तों, श्रीलंका को हराकर जाते जाते बांग्लादेश की टीम के कप्तान साकिब अल हसन ने अपने बयान में भारत को लेकर जय श्री राम कहकर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। साथ ही साथ एंजेलो मैथ्यूज के मुद्दे पर भी साकिब अल हसन ने बड़े खुलासे कर दिए। क्या क्या बोले साकिब अल हसन अपने बयान में, इनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, साकिब अल हसन, रोहित शर्मा और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम के बीच में खेला गया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। मुकाबला बांग्लादेश का हो और कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत से ही श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा खास अच्छी शुरुआत नहीं थी। देखिए, टीम की तरफ से निशंका ने भले 41 रन लगाए, लेकिन 4 रन पर परेरा और मेंडिस 19 पर आउट हो गए। तो वहीं 41 रन समर विक्रमा ने लगाकर थोड़ी बहुत पारी को संभालना चाहा, लेकिन असल पारी खेली असल लंका ने, जिन्होंने दोस्तों 108 रन लगाए 105 गेंदों में 6 चौके 5 छक्के जड़कर। लेकिन दोस्तों, कॉन्ट्रोवर्सी तब पैदा हो गई जब साकिब अल हसन की एक अपील के चलते एंजेलो मैथ्यूज को अजीबोगरीब तरीके से आउट दिया गया। 0 पर यह खिलाड़ी आउट हो गया टाइम आउट के चलते। खैर दोस्तों, आगे चलकर डिसिल्वा के 34 और 22 रन थिक्षाना के थे, यानी कि टोटल टारगेट मिला 280 रन का बांग्लादेश की टीम को। अब टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन बांग्लादेश की टीम कौन सा जीतती हुई आ रही है उसके लिए तो ये टारगेट भी बड़ा था, ऐसा हम सबको लग रहा था। परंतु दोस्तों, आपको बता दें कि आज इस लक्ष्य को चेस कर बांग्लादेश ने श्रीलंका को तो मुंहतोड़ जवाब दिया ही है, साथ ही बाकी सब टीमों को भी। आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि तंजीद हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी 9 रन पर भले ही आउट हो गए थे और 23 पर लिटन दास, लेकिन फिर शैंतो और साकिब अल हसन ने ना जाने क्या खाकर बल्लेबाजी करी आज, कि जो पूरे वर्ल्ड कप में करना चाहिए था वो आज के मुकाबले में ही वो करते नजर आए। दोस्तों, शैंतो ने जहां 93 गेंदों में 86 रन ठोके, तो इधर साकिब अल हसन भी 60 गेंदों में पूरे 81 रन लगाते हुए नजर आए। दोनों ने 12-12 चौके छड़े और साकिब ने तो 2 छक्के भी लगाए थे, जिसके चलते बस 20 ओवर में ना 70 रन चाहिए थे और भला फिर बांग्लादेश को जीतने से कौन रोक सकता था। साकिब अल हसन ने दोस्तों आगे चलकर अपनी इस लगभग शतकीय पारी से अपनी टीम के लिए विनिंग रन्स लगाकर टीम को विजय भी बना दिया और जय श्री राम बोलकर भारत के लिए कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, आपको बता दें, साकिब अल हसन ने अपने बयान में कहा, वर्ल्ड कप है और अगर आप एक भी मैच जीतते हैं तो जाहिर सी बात है खुशी तो होती ही है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में हम कुछ खास कर नहीं पाए, एक ही मैच जीते थे अपना 7 में से, हमारे फैंस भी बहुत निराश थे और मुझे पूरा यकीन है कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन एक बात आप सबको कहना चाहूँगा कि हमने इस वर्ल्ड कप में जितनी भी हार देखी ना, हर जगह पर बांग्लादेश की टीम के फैंस हमें नफरत भरी निगाहों से देखते थे और ऐसे वक्त पर और किसी ने नहीं बल्कि केवल भारतीय फैंस ने हमारा समर्थन किया। वक्त वक्त पर आकर हजारों की तादाद में हमें चीयर करते थे ये सभी, और साथ ही साथ भारतीय खिलाड़ियों ने भी ऐसे मुश्किल वक्त में किस तरीके से हमें सहानुभूति देना वो हम ही जानते हैं। ये जीत से बढ़कर है हमारे लिए और जाते जाते ये तोहफा भारत और बांग्लादेश दोनों के फैंस के लिए हमारी टीम ने जीत कर दर्ज किया है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, भले ही हम भारत की सरजमी पर वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे, लेकिन सीख कर बहुत कुछ जा रहे हैं, भाई भारत देश ही ऐसा है। इसके बाद दोस्तों, साकिब से जब पूछा गया कि एंजेलो मैथ्यूज को उन्होंने घटिया तरीके से आउट क्यों कराया, तो उन्होंने कहा, वो बिल्कुल रैंडम था, टीम उस वक्त पर ज्यादा सोच नहीं रही थी, हमें विकेट चाहिए थे और वो फैसला कुछ इस तरीके से लिया गया कि हमें उसे बदलने का वक्त भी नहीं मिल पाया और फिर एंजेलो मैथ्यूज आउट हो गए, लेकिन जो भी कुछ हुआ नियमों के अनुसार हुआ।
दोस्तों शाकिब का बयान वाकई में दो टुका है। देखिए भारत के लिए तो उन्होंने अच्छा कहा, लेकिन क्या एंजेलो मैथ्यूज के साथ उन्होंने ऐसा कर सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।